ठाकुर वैष्णव पद अवनी रसु संपद सुन भाई हैया एक मान ठाकुर वैष्णव पद अरे भाई एकाग्र चित्त होकर के सुनो, वैष्णवों के श्री चरण कमल ही इस जगत की एकमात्र संपदा है। अवनीर अवनी माने पृथ्वी, अवनीर सुसंपद, सबसे बड़ी जो संपदा है वो है वैष्णवों के चरण कमल, जगत की एकमात्र संपदा है। आश्रय लहिया भजे तर कृष्ण नाही त्यजे, आश्रय लहिया भजे तर कृष्ण नाही त्यजे, आश्रय लहिया भजे तर कृष्ण नाही त्यजे, सब मारे अकारण और सब मारे अकारण, आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे। त्यजेंगे नहीं तो मतलब क्या, अपने घर में ले जाएंगे। जिसको आदमी अपनाना चाहता है, त्यागना नहीं चाहता है, अपने घर ले चलेंगे। ठीक है, आश्रय लेकर के भजो। किसका आश्रय? ठाकुर वैष्णव का। सबसे बड़ी संपदा पृथ्वी पे तुमको भेजा, जन्म दिया मनुष्य का, अब यहां से सबसे बड़ी जो संपदा है उसको लेकर के आओ मेरे पास। ये संपदा नहीं है तो मैं नहीं आने दूंगा, क्योंकि वहां यही संपदा काम आएगी, क्योंकि वहां सब वैष्णव है। यहां तो वैष्णव ढूंढना पड़ता है ना, वहां पे तो अवैष्णव ढूंढे नहीं मिलेगा, सब वैष्णव और सब एक से बढ़कर एक। गोलोक धाम में कैसे कैसे वैष्णव, सब शुद्ध, कोई शुद्ध वात्सल्य वाला, कोई शुद्ध सख्य वाला, कोई शुद्ध माधुर्य वाला, ऐसे ही तो भक्त हैं वहां पे। उनके बीच में हम जाना चाहते हैं। और वैष्णवों की रिस्पेक्ट करना नहीं आया, उनका आश्रय लेना नहीं आया, तो फिर हम काहे को आश्रय देते हैं? मेरे रिप्रेजेंटेटिव का पहले आश्रय तो लेना सीखो। आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे, आश्रय सब मारे अकारण, सब मारे। परंतु वैष्णवों के श्री चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किए बिना ही जो भजन करता है वह व्यर्थ ही मारा जाता है, अर्थात उसका भजन साधन सब व्यर्थ हो जाता है, को एंट्री नहीं मिल पाती। वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल, वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बल, बलवंत आरके
वैष्णव चरण रेणु मस्तक भूषण बिनु वैष्णव चरण रेणु मस्तक भूषण बिनु वैष्णव चरण रेणु मस्तक भूषण बिनु वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति दीते बोले हमको क्या चाहिए प्रेम भक्ति चाहिए तो प्रेम भक्ति देने का बल किसमें है वैष्णव चरण जल वैष्णवों के चरण जल चरणामृत के समान और कोई दूसरा उपाय शक्तिशाली नहीं है जो हमको प्रेम भक्ति दे सके। तो ब्रह्मा जी ने क्या मांगा ब्रिज की लता पता घास बन जाऊं गोपियां चरण दे करके चले मेरे ऊपर गोपियों की चरण रज मिल जाए यही चाहना क्यों हमारी गुरु परंपरा में सबसे टॉप पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है चतुर्मुख भगवान का पुत्र वो गोपियों की चरण रज मांग रहा है जानता है कि इसके बगैर हम एंटर ही नहीं कर पाएंगे तो फिर हम कहां से एंटर करेंगे। वैष्णव चरण जल उसमें रज आएगी ना असली कमाल तो रज का है। वैष्णव चरण जल प्रेम भक्ति देते बोले आर केहो न है बलवंत और किसी में ताकत नहीं है प्रेम भक्ति दे दे। वैष्णव चरण रेणु मस्तक भूषण बिनो आर ना ही भूषण रा अंत वैष्णव के चरण रज रूपी भूषण के अतिरिक्त एक ही आभूषण है जो सबसे टॉप का है वैष्णव चरण रज उसको मस्तक का आभूषण बनाना है और किसी प्रकार के जड़ आभूषणों से बाकी सब जड़ हैं वैष्णव चरण रज चेतन है जड़ आभूषणों से मस्तक की वास्तविक शोभा नहीं होती असली शोभा मस्तक की होती है किससे वैष्णव चरण रज से गोपी चंदन से। तीर्थ जल कोई कहे तीर्थ जल तो बड़ा पवित्र होता है गंगा में नहाए जमुना में नहाए यहाँ नहाए वहां नहाए तीर्थ जल तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखिया छे पुराणे सब भक्तिर प्रवंचन से सब भक्तिर प्रवंचन वैष्णवेर पादो दक समना है सब वैष्णवेर पादो दक समना है सब जाते है वांछित पुराणा इतना सार भरा इस भजन में तीर्थ जल पवित्र गुण है इसमें कोई डाउट नहीं है गंगा जल की कितनी महिमा है अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म नहीं होगा लेकिन प्रेम भक्ति होगी ये तो नहीं कहा मेरा टारगेट तो प्रेम भक्ति है ना वो कहां का है मेरा टारगेट पुनर्जन्म ना हो ये तो था ही नहीं।
मेरा टारगेट बीमारी ना आए, ये तो था ही नहीं। सर्व व्याधि विनाशनम, अकाल मृत्यु ना हो, ये भी मेरा टारगेट नहीं था। इन तीनों में से तो मेरा कोई टारगेट नहीं था जो गंगा जल से हो रहा है, वैष्णव चरण रज से हो रहा है, प्रेमा भक्ति प्रदान, ये मेरा लक्ष्य था। तो बाकी सब इसका मतलब ठगी है, प्रवंचन है, वंचक वंचित संप्रदाय। पुराणों में लिखा है, अरे देखिए ये पुराण में लिखा है, वो पुराण में लिखा होगा, हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य प्रेम भक्ति, जिससे वृंदावन में एंट्री मिले, प्रेम भक्ति के बिना मिलती नहीं। ये है सार, अपने लक्ष्य को हमेशा स्मरण रखें। लक्ष्य स्मरण नहीं होता है तो भागता रहता है व्यक्ति इधर से उधर, उधर से उधर। तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी आचे पुराणे से सबर भक्तिर प्रवंचन, नरोत्तम दास ठाकुर। और प्रभु जी ने जो भजन किया था उसमें क्या था लास्ट लाइन, वृंदावन हीन स्थान, वही नरोत्तम दास, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि मैंने वृंदावन में जो है स्टे नहीं किया, मैं वहां रही नहीं। क्या मतलब इसका, हमने ट्रांसलेट करके बताया था, अब किसी को याद हो तो बताएं। क्या ट्रांसलेशन बताया था, यही अलर्टनेस है। मेरे मन में श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी आदि किसी के लिए भी आकर्षण नहीं हुआ, और न ही मैंने वृंदावन में रहने की इच्छा की, डिजायर। जो नहीं जा रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी डिजायर नहीं है, उसने डिजायर की है परमानेंट रहने की, आना जाना अप डाउन की नहीं, परमानेंट। अगर जाना है तो फिर ये समय बचाना पड़ता है कहीं ना कहीं। लक्ष्य एकदम फिक्स होना चाहिए अर्जुन की तरह, मछली की आंख बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। प्रेम भक्ति चाहिए, सेवा चाहिए गुरु की वैष्णव की, खूब अच्छे से करना चाहिए। मालूम पड़ जाए कि बस इससे खुश होते हैं, बस लग जाओ उस काम में, खत्म हो गया काम आपका। वैष्णव तो मिल ही गया, अब उसकी सेवा करने का बात है, कौन सेवा करता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये उसी प्रार्थना बुक का ट्रांसलेशन है, एज इट इज बोला है। इसमें वर्ड मीनिंग से एक पता कुछ और चल रहा है, लेकिन जो भक्तों ने ट्रांसलेट किया है उसमें डिजायर लिखा है। वैष्णव संगेते मना आनंदित मनो क्षण, वैष्णव संगेते मना आनंदित मनो क्षण, सदा हर कृष्ण परसंग, दीन नरोत्तम कांदे हिया धैर्य नाही बांधे, दीन नरोत्तम कांदे हिया धैर्य नाही बांधे, मोर दशा के ना होइल भंग, मोर दशा के वैष्णव संगेते मन
आनंदित अनुक्षण। वैष्णवों के संग में सदैव कृष्ण की कथा चर्चा चलती है, इससे मन सर्वदा आनंदित रहता है। सदा है कृष्ण प्रसंग, दीन नरोत्तम कांदे। तो दीन नरोत्तम दास को ये स्थितियां क्यों नहीं प्राप्त हुई? मोर दशा के न हो भंगा। चैतन्य महाप्रभु जैसा अवतार आया, पूरे जगत को प्रेम से भर दिया, लेकिन मैं ही रह गया बस। क्यों? मेरे धैर्य की सीमा टूट रही है। हिया धैर्य ना ही बांधे, मोर दशा के ना ही लगाऊंगा। रो रहे नरोत्तम दास ठाकुर। तो मुझे ये स्थिति क्यों नहीं प्राप्त हुई कि वैष्णव का संग मिलता, हर समय कृष्ण की कथा मिलती? वैष्णव संग क्यों? वैष्णव संगते मन आनंदित अनुक्षण क्यों? सदा है कृष्ण प्रसंग, सदा कृष्ण की चर्चा चलती है, इसलिए वैष्णव का संग चाहिए। तो रो रो करके वैष्णव संग मांग रहे हैं, अर्थात कृष्ण कथा मांग रहे हैं। कृष्ण कथा तो वहीं मिलती है, दूसरी कोई दुकान ही नहीं है जहां से मिल जाए, जाके खरीद लाए। तार मूल्यम लौल्यम, एक लौल्यम तो उन्हीं के पास है कृष्ण कथा के लिए। निताई गौरांग जय, निताई गौरांग, निताई गौरांग जय, निताई गौरांग, निताई गौरांग जय, निताई गौरांग, निताई गौरांग जय, निताई गौरांग जय, निताई गौरांग, निताई गौरांग जय, निताई गौरांग, निताई गौरांग का इंस्ट्रक्शन पूरा क्या है? चांट हो गया, डांस, फिर टेक प्रसाद, तब होगा कंप्लीट। निताई गौरांग जय, निताई गौरांग, निताई गौरांग जय, निताई गौरांग, निताई गौरांग गौरांग जय, निताई गौरांग, निताई 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 गौरांग जय, निताई गौरांग, नि